एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, उनको आरएमएल रामल और लोहिया में रेफ़र कर दिया जा रहा है। अभी तक 1,16,589 पेशेंट पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे स्क्रीन किया जा चुका है। तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोग सभी होटल्स में और गेस्ट हाउसेस में, इन चार अफेक्टेड कंट्रीज से जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं उन सभी टूरिस्ट्स को कांटेक्ट करके ये उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे कॉरपोरेशंस। फिर एयरपोर्ट के ऊपर जो इन कंट्रीज से लोग आए उस टाइम तो सिम्टम्स नहीं मिले, लेकिन इसमें जैसा हम जानते हैं कि 14 दिन के बाद सिम्टम्स पैदा होते हैं, सो उन लोगों को फिर लगातार हम लोग निगरानी उनके ऊपर रखे हुए हैं। तो 5,769 पैसेंजर्स इन इन्फेक्टेड कंट्रीज से आए थे जो कि दिल्ली के थे पिछले कुछ दिनों में। उनमें से 4,445 पैसेंजर्स की जब चेकिंग की गई तो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं मिले। 1,324 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो अभी हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट पे जितने भी ऐसे पैसेंजर्स मिलते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, उनके ऊपर भी बाद में नज़र रखी जा रही है कि अगले 14 दिन के अंदर कहीं उनमें सिम्टम्स पैदा, दोबारा पैदा तो बाद में पैदा तो नहीं हो गए, और उन सारी लिस्ट्स को हम सर्वेलेंस पे रख रहे हैं। रामन और लोहिया हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल, हम सब जानते हैं कि दो इसके लिए नोडल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमने अपने भी लगभग 19 सरकारी हॉस्पिटल्स और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि स्वाइन फ्लू के लिए तैयार थे, उनको उनके अंदर हमने कैपेसिटी डेवलप की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी हम लोग आइसोलेशन बेड्स और आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी हम लोग तैयार हैं पेशेंट्स को लेने के लिए। अभी तक 2 लैब्स हैं, एक एम्स की लैब है और एक एनसीडीसी की लैब है। 250-250 के सैंपल दोनों जगह डेली टेस्ट किए जा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सफिशेंट है, लेकिन आज शाम से लेडी हार्डिंग में भी लैब चालू हो जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एलएनजेपी के अंदर भी हम लैब चालू कर देंगे। हमारे पास N95 के सफिशेंट मास्क हैं और सफिशेंट किट्स हैं, और अभी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। अभी जो मीटिंग ली थी उसमें सभी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप सभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कीजिए, और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है, और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से डेंगू पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया था, इसी तरह से इस खतरनाक बीमारी पे भी हम सब लोग मिलके ज़रूर कंट्रोल पाएंगे।